किसने भी मेरा होमवर्क नहीं किया है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, प्लीज डू योर वर्क ऑन टाइम। अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। मेरे सारे वीडियोस चेकआउट करो एंड देन अंदर ही आपको सब एक्सरसाइजेस मिल जाएगी, सो प्लीज डू इट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट इज हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड विद द टेक्स्टबुक एक्सरसाइज, गियर अप एक्सरसाइज। गियर अप मतलब हमने जो पहले किया है उसका सिर्फ रिविजन होगा। मल्टीप्लिकेशन इज द फास्टेस्ट वे टू एड इक्वल नंबर्स, मतलब जो भी इक्वल नंबर्स होते हैं वो एड करने के बजाय मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो इट वुड बी गुड। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट डॉग्स हैव 4 लेग्स। हमें बताइए कि डॉग्स को कितने लेग्स हैं? 4। अगर हमें पूछा जाए कि 8 डॉग्स को कितने लेग्स हैं तो व्हाट विल बी? 8 डॉग्स, 1 को 4 लेग्स, तो सबको 4 लेग्स होते हैं, 8 4 6 30। यहां पर आपको दिया है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ 5 डॉग्स। 5 डॉग्स का पूछा गया है तो 5 हो जाए 20 लेग्स होंगे 5 डॉग्स पे मिला के, ओके। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट वन इज 58 मल्टीप्लाई बाय 8। एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीखना हो करना हो तो टेबल जाने बहुत जरूरी है, सो प्लीज लर्न द टेबल्स प्रॉपरली। 58 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 16, जो भी कैरी करो उसको सर्कल करो एंड 2, सो दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 11। वेरी इजी, 0 ऐड करो, 4 एंड 2, ओके। देन इट इज 74 मल्टीप्लाई बाय 13। करो 4 1 4 7 1 7।
सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन डन। बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें की हुई है, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, डू इट बाय योरसेल्फ। पहले अपने आप ट्राई करना, फिर ये सम्स देखना, और ये आपको आपकी नोटबुक में करना है, ओके। नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको यहाँ पे मिसिंग प्लेसेस दी गई है, वेर यू हैव टू यूज योर ब्रेन। आपको यहाँ पे आपका दिमाग यूज करना है। आई डोंट हैव द दिमाग, मुझे मेरे पास दिमाग है ही नहीं। दिमाग आप लोग के पास ही है, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप ये ट्राई करना। अब नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी, उसमें ये चीज मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। मुझे आपके जूम मीटिंग में इसके आंसर्स देखने, जो भी होगा आपको थोड़ा सा थोड़ा सा सबर करना जरूर, ओके। आज वीडियो देखो, उसके बाद जूम मीटिंग में हम लोग ये करेंगे। कल एक जूम मीटिंग है, पर कल नहीं पूछूंगी, बिकॉज ये वीडियो थर्सडे को जूम, कल दैट मींस आज ही जूम मीटिंग है थर्सडे को, तो आज तो नहीं पूछेंगे, बट नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी उसमें आई विल डेफिनेटली आस्क दिस थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ना कंप्लीट करो, देन विल स्टार्ट अप विद इन न्यू एक्सरसाइज, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।